हेलो दोस्तों, आप यह तो जानते ही हैं कि भविष्य में मंगल हमारा दूसरा घर हो सकता है, पर कैसा हो कि हमें वहाँ कोई जीवन मिल जाए और उनके पूर्वज हम ही हों। तो आज का वीडियो आपके लिए खास है, तो अंत तक जरूर देखें। कई देशों के वैज्ञानिक मंगल पर जीवन की खोज में लगे हैं और एक के बाद एक कई यान भी मंगल ग्रह पे उतारे जा चुके हैं। हालांकि कार्नेल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर क्रिस्टोफर मेशन का कहना है कि मंगल पर मिलने वाला जीवन वही पैदा हुआ हो, ऐसा शायद मुश्किल होगा। दरअसल मेशन का मानना है कि धरती से जब मिशन मंगल पर भेजे जाते हैं तो हो सकता है कि माइक्रोब्स या सूक्ष्म जीव उनके साथ पहुँचे हों और फिर पनपने लगे हों। उन्होंने बताया कि इससे जीवन की खोज के नतीजों पर क्या असर पड़ेगा, जीवन कैसे मुमकिन। बीबीसी पर एक आर्टिकल पर मेशन ने बताया है कि नासा की जेट प्रोपेक्शन लैब स्पेसक्राफ्ट तैयार करते वक्त बहुत कड़े नियमों का पालन करती हैं, ताकि स्पेस मिशन पर किसी भी अनचाहे जीव के पहुंचने की आशंका को कम से कम किया जा सके। फिर भी कुछ जीव ऐसे होते हैं जो बेहद साफ कमरों में यहाँ तक कि मंगल तक के सफर पर भी जिंदा रह सकते हैं। उन्होंने लिखा है कि सूक्ष्म जीवी धरती पर अरबों सालों से रह रहे हैं और आज भी हर जगह हैं, हमारे आसपास, हमारे अंदर और कुछ बेहद साफ जगहों पर भी और स्पेस मिशन पर भी जिंदा हो सकते हैं। कैसा हो ये माइक्रोब्स? मिशन का कहना है कि इन सूक्ष्म जीवों में कुछ खास जीन होते हैं जो डीएनए को रिपेयर कर सकते हैं, जिससे वे रेडिएशन को भी झेल सकते हैं। वे उपकरण के ऊपर जमा हो सकते हैं और ठंडे पर्यावरण में भी रह सकते हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि बेहद साफ कमरों की वजह से शायद उनकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ गई हो और वे मंगल तक का रास्ता तय कर सकते हो। इसके लिए उन्होंने इवोल्यूशन सिलेक्शन को वजह बताया है। जीवन की खोज का क्या? मिशन ने कहा है कि हो सकता है कि सोवियत प्रोब के साथ सबसे पहले 1971 में माइक्रोब या इंसानी डीएनए भी मंगल पर पहुंच गया हो। ऐसे में हो सकता है कि मंगल पर अगर जीवन मिला भी तो वह धरती से गया हो। ऐसा हुआ होगा तो ये वहाँ के हिसाब से ढल गए होंगे, म्यूटेशन हुआ होगा और वे बदल गए होंगे। हो सकता है कि वे मंगल पर रहना और आसान भी कर दें। वहाँ कुछ ऐसा मिलने पर उसकी रिसर्च की जा सकती है, जिससे दोनों ग्रह के बारे में कई जवाब हमें मिल सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी हमें बताएं और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।